SBI 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर के खबर इन दिनों जो है खूब चर्चा में रहती है कि क्या तेजस्वी यादव जो है वो सीएम कमान संभालेंगे, क्या यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो उनको सीएम कमान सौंप देंगे क्योंकि उन्हें अब दिल्ली की तरफ जाना है। इन सवालों को लेकर के आज हमने ये खास रिपोर्ट तैयार की है जिसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि नीतीश कुमार के अंदर क्या चल रहा है और तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं। समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन अटकलों के बाजार में नीतीश कुमार के बयान ने हलचल मचा दी है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से बात करते हुए ये सामने आया कि तेजस्वी यादव हमारे डिप्टी सीएम बार बार कह रहे हैं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा कुछ एजेंडा है उसे पूरा करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त या 2025 विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव को कमान सौंपे जाने के सवाल पर आरजेडी सांसद ने कहा कि जब पुल के पास आओ तो क्रॉस करने के बारे में सोचो। दोनों व्यक्ति सीएम और डिप्टी सीएम किसी जल्दबाजी में नहीं है, दोनों की कुछ साझा प्रतिबद्धता है, उनकी प्राथमिकताएं हैं, वो कमिटमेंट जब होता है तो बाकी कोई भी चीज मायने नहीं रखती। फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल को नीतीश कुमार ने नकार दिया। इस पर मनोज झा ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बयानों में साफ है कि अभी देश भर के विपक्ष को बैठने और बिठाने की आदत डाली जाए, एक प्रगतिशील लोक उन्मुख कार्यक्रम हो। उधर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि युवाओं को आगे रखना चाहिए। उसी सिलसिले में उन्होंने इशारा कर कहा कि इन लोगों को अब समय आ रहा है कि युवाओं के आने से कोई नई सोच, नई ऊर्जा या नया जोश आ सके, इसलिए युवाओं को आना चाहिए, मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं। लेकिन जेडीयू सांसद ने साफ कर दिया है कि अभी जनता ने 2025 तक का निर्देश दिया है बिहार की सेवा करने का। मुझे नहीं लगता कि जनता की सेवा के निर्देश को 2025 के पहले मुख्यमंत्री छोड़ेंगे। फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री के इनकार करने पर सुनील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार नहीं है, वो बिहार में जनता की सेवा करते हुए विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे। वो ना प्रधानमंत्री के चेहरा है और ना ही दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ये तय हो गया है कि दोनों ही तरफ से गहमा गहमी बराबर की है, लेकिन अभी तक अपने अंतरिम कहले में वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार अगला कदम क्या उठाना है। ऐसे में सवाल अभी भी वहीं पर रुका हुआ है कि आखिरकार क्या सीएम या फिर डिप्टी सीएम, कौन से पद की लड़ाई जो है वो यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में चल रही है। तेजस्वी यादव अभी सीएम कमान संभालने के लिए अभी तैयार नहीं है और नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली जाने के रास्ते पर नहीं है, ऐसा इस वक्त जो है उन दोनों के बयानों से समझ में आ रहा है। उन दोनों के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसके माध्यम से तो अभी तक यही समझ में आ रहा है, लेकिन देखना यही होगा क्योंकि सियासत है, कभी भी पलटी मार सकता है कोई भी। तो देखना यही होगा कि आखिरकार अगले 2.5 साल में क्या होता है और उसके बाद की जो रणनीति रहेगी उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBI 9 न्यूज़।